उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करी वो मेरे हाई एंड फाउंडेशन कलेक्शन की है। मैंने कुछ अर्सा पहले इंस्टाग्राम में पोल किया था कि आप मेरा नेल कलर कलेक्शन देखना चाहते हैं या फाउंडेशन, तो बहुत सारे लोगों ने फाउंडेशन कलेक्शन कहा, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। और ये जो फाउंडेशन कलेक्शन है ये हाई एंड है और ये उनमें से मैंने अपनी फेवरेट निकाली है। तो सबसे पहले जी मेरी फेंटी ब्यूटी बाय रिहाना है प्रो फिल्टर मैट फाउंडेशन। इसके अंदर 39 कलर्स है और ये क्लेम करती है कि बिल्कुल मैट रहती है। ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है और मेरी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये मेरे लिए भी बहुत बेस्ट है। और मैं इसको अगर मैंने इस फाउंडेशन के नीचे अगर मैं प्राइमर ना भी लगाऊं तो ये फाउंडेशन स्टिल मैट रहती है और मुझे बहुत पसंद है। सेकेंड फाउंडेशन है मेकअप फॉर एवर की। मीडियम टू हाई कवरेज है। आप इसका कवरेज बिल्डेबल कर सकते हैं अगर आपको जितना भी इसका कवरेज चाहिए। ये पंप के साथ आती है और ये रिटेल करती है $56 कनेडियन और ये भी मैट फाउंडेशन है और ये आपको ड्यूई फिनिश देती है। उसके बाद नेक्स्ट फाउंडेशन है मेरी एस्टी लॉर्डर डबल वेयर स्टे मैट फाउंडेशन स्टे इन प्लेस। ये क्लेम करती है कि ये 24 आवर के लिए आपके स्किन पे रहती है और ये मैंने इसको यूज़ बहुत किया है और ये वाकई रहती है और ये मैट फाउंडेशन है। अगर आपने इस फाउंडेशन को अप्लाई करना है तो ब्यूटी ब्लेंडर से करें तो फाउंडेशन जो है बहुत फ्लॉलेस अप्लाई होती है। अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर इस चीज़ में मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगी कि इसके साथ पंप नहीं है तो इसमें बहुत सारी फाउंडेशन निकल आती है और बाद में दोबारा से मुझे अंदर डालना पड़ता है इसके। और जी ये नेक्स्ट है मेरी डियोर स्किन फॉरएवर फाउंडेशन। ये बी मैट फाउंडेशन है और इसका कवरेज भी लाइट टू मीडियम है, ये हाई फुल कवरेज नहीं है। ये उन लोग के लिए अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अगर आपको डेली मेकअप चाहिए तो उसके लिए है। ये भी मेरी बहुत फेवरेट फाउंडेशन है और जी इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करती हूँ। इसके नीचे मुझे प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइमर आपकी अपनी चॉइस पे, अगर आपको लगाना है तो आप लगाएं, इससे आपके जो पोर्स हैं वो फिल इन हो जाते हैं। और ये भी मेरी बहुत फेवरेट फाउंडेशन है और ये सारी फाउंडेशन जो हैं ये 30 ml से लेकर 35 ml तक हैं जो कि मोस्टली नॉर्मल फाउंडेशन होती हैं। और आजकल इस फाउंडेशन का बहुत हाइप चला है, टू फेस बॉर्न दिस वे फाउंडेशन। इसके कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं और ये फाउंडेशन जो है ये मीडियम टू फुल कवरेज है और ये बिल्कुल केकी नहीं है और मेरा शेड वार्म बेज पे है। और इसका वन पंप जो है इनफ है अगर आपके फेस पे बहुत सारे स्कार्स हैं और डार्क सर्कल्स हैं और कुछ भी आपके दाने हैं, कुछ भी हैं, तो ये कवर करती है ओनली वन पंप से। उसके बाद अगर आपको इसका कवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं और मेरे लिए तो वन पंप ही इनफ रहता है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी है, मैंने कितना इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट फाउंडेशन जो है जी आवर ग्लास की है और ये फाउंडेशन जो है स्टिक फाउंडेशन है। जो स्टिक फाउंडेशन है तो इसको मैं ब्रश के साथ अप्लाई करती हूँ। ये भी मैट फिनिश फाउंडेशन है और ये फुल कवरेज है, ये मीडियम भी नहीं है, ये फुल कवरेज है। और इसके अंदर जी 45 शेड्स हैं तो इसको आप अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप डार्क कलर भी ख़रीद सकते हैं और इसका ऐसा कंटूर भी कर सकते हैं इसके साथ। और ये भी मुझे बहुत पसंद है फाउंडेशन। उसके बाद जी और ये रिटेल करती है $65 कनेडियन के लिए। उसके बाद जी आजकल बहुत ही हिट फाउंडेशन है हुदा ब्यूटी की हैशटैग फॉक्स फिल्टर और इसमें जी मेरा शेड है 320G ट्रेसलेश इसको प्रोनाउंस करेंगे जैसे भी। और ये पंप के साथ आती है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप फाउंडेशन ये वाली लगाएं। आप अगर पार्टी पे जा रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन है तो आप ये लगा सकते हैं। वन पंप इनफ है और बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, आई लव दिस फाउंडेशन। उसके बाद जी लास्ट फाउंडेशन जो है मेरी वो है जी जॉर्जियो अमानी की। ये मीडियम टू फुल कवरेज है, इसमें आप अपना कवरेज बना सकते हैं। और जी ये थोड़ा सा आपको मैट फिनिश नहीं देगा, ये आपको ड्यूई फिनिश देगा जिसमें से रेडिएंट लुक आएगा, ना मैट होगा ना थोड़ा ऑयली टाइप, ग्लॉसी टाइप इसका लुक आएगा। उम्मीद है आपको मेरी फाउंडेशन कलेक्शन पसंद आई होंगी। अगर आप ड्रग स्टोर फाउंडेशन कलेक्शन देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा।